हेलो दोस्तों, मैं राहुल देशमुख आपका स्वागत करता हूं। तो जल्द ही आपका फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च होगा पोको X3। ये लॉन्च होगा आपका 22 सितंबर को। लुक्स और डिज़ाइन वाइज बाकी स्मार्टफोन से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फ़ोन के बैक साइड में आपको डिज़ाइन दिखती है, डिज़ाइन के अंदर ही आपको पोको की ब्रांडिंग दिखाई देगी। इसके स्पेक्स अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 8 नैनो बेस्ड ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलता है, जो 2.3 GHz पर क्लॉक्ड है। इसके अंदर आपको जो GPU मिलता है वो मिलता है एंड्रीनो 618 का GPU मिल जाता है, और ये 4th जनरेशन क्वालकॉम प्रोसेसर है। स्टोरेज में आपको मिलता है 6GB की LPDDR4 RAM मिल जाती है। मेमोरी आपको मिलती है इसमें 64GB और 128GB की मेमोरी मिल जाती है। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में आपको मिलता है 6.67 इंच का डॉट डिस्प्ले मिलता है, जो आपका 120Hz फ्रेम रेट, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, टी रेशियो 9 का एक्सपेक्ट रेशियो और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आपको मिल जाता है। इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी स्मूथ होगा। जो बाकी स्मार्टफोनों में जो डिस्प्ले आते हैं वो 60 के आते हैं, इसमें आपको मिल रहा है 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में आपको मिलता है रिवर्स कनेक्टर पोर्ट मिलते हैं, जिसके साथ आपको मिलता है 5160mAh की बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती है आपकी 33W के फास्ट चार्जिंग को। जो ये 33W का फास्ट चार्जिंग चार्जर है वो आपको इन द बॉक्स मिल जाता है। अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा में आपको मिलता है 4 लेंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको मिलता है 64MP का मेन कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का माइक्रो कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा मिल जाता है। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 20MP का AI सेल्फी कैमरा मिल जाता है। फोटोग्राफी फीचर्स के साथ लोडेड है, यानी आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपकी फोटोग्राफी काफ़ी बेहतर हो सकती है। काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी में आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यानी आप या तो 2 नैनो सिम लगा सकते हैं या 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, और दोनों ही सिम स्लॉट आपके वो LTE सपोर्ट करते हैं। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज आप लगभग 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आपका ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट करता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो पावर बटन पर दिया गया है, एक काज दो काम, यानी पावर बटन का भी काम करेगा आपका, फिंगरप्रिंट का सेंसर का भी काम करेगा, और इसके साथ इसके अंदर आपको सिक्योरिटी में मिलता है AI फेस अनलॉक, तो सिक्योरिटी आप काफ़ी इन्हांस हो जाती है इन दो फीचर्स के साथ। और साथ साथ अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, 3.5mm जैक मिल जाता है, सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेंसर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, IP53 स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर थोड़े बोड़े छींटे पड़ जाते हैं पानी के तो इस फ़ोन को कुछ नहीं होगा। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है वो है एंड्रॉयड 10 MIUI 12 पर बेस्ड पोको लॉन्चर 2.0 मिल जाता है। अगर ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 आता है या 18,000 आता है तो ये फ़ोन बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसकी कंपटीशन में और भी स्मार्टफोन है। जैसे सैमसंग ने अभी अपना मॉन्स्टर फ़ोन उतारा है, वो है अपना M51, तो अगर इस प्राइस रेंज या इस प्राइस के नीचे आता है तो ये फ़ोन हो सकता है बेस्ट। अगर ये फ़ोन जाता है 25,000 के ऊपर तो मैं बोलूँगा कि आप इस फ़ोन को मत खरीदिए, क्योंकि इससे बेहतर स्मार्टफोन भी अभी आना बाकी है इस मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इस फ़ोन की स्पेक्स स्पेसिफिकेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको और किसी वीडियो में मिलूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा मैं। बाय।